हाल ही में गुजरात में हुए बिहारियों के विरोधाभास के बीच जमकर लोगों को निशाना बनाया गया। इस निशाने का शिकार हुआ बिहार का एक युवक जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद उस शख्स के परिवार वालों को गहरा सदमा लग चुका है। परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने खेसारी उनके घर पहुंचे हैं। देखिए, जिस लड़के का हत्या हो गया, गाना बंद कर। आपके गुजरात वाला जो अभी मुद्दा चल रहा था, जिस पर मैंने बातें की थी, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। पप्पू भैया नमस्ते, राजकुमार, निलकुशपा, अर्जुन भाई नमस्ते भाई। तो उनके दो बच्चे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उन बच्चों से मिलने। और मैंने बस आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, और मेरा शो भी है वहाँ पे लारी में, आज ही शो है। तो मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, उन दोनों बच्चों को वो जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ाऊँगा, और एक भाई की तरह उन बच्चों को गोद लेने का इरादा बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ जाने का है कि वो अनाथ नहीं हो। उनके लिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस धरती पे, अगर हम लोग आगे आएंगे तो शायद कोई अनाथ नहीं होगा और अनाथालय नहीं होगा, क्योंकि आप सबने ही बनाया है हमें, आप लोगों का प्यार ही आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बस मैं चाहूँगा कि इधर चलिए। हाँ, बीरगंज गया था आदित्य भाई, जय परशुराम, गोड़ लगा था नहीं बाबा, सबके प्रणाम, पूरे परशुराम परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना, क्योंकि हर ब्राह्मण पूजनीय होता है कृष्ण सुदामा की तरह। आप लोग का प्यार मेरे प्रति बना रहे, ऐसे ही सुख बस कामना करता हूँ आप सबके लिए, और हर ब्राह्मण मेरे लिए बड़ा पूजनीय होता है। रीज़न कि मैं एक, मेरे गुरुजी का नाम कमलाकांत मिश्रा है, और मैं हर ब्राह्मण को गुरु की तरह ही पूजता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर, जिन्होंने मुझे गायकी के क्षेत्र में बेटे की तरह प्यार दिया। बस मैं वीरू भाई इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ कि अगर हर हादसे के बाद अगर हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं इस धरती पे, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बस कुछ नहीं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबकी मोहब्बत है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले लोग यहाँ हैं इस धरती पे। शायद ये सब देखकर अगर हर आदमी ऐसे अनाथ बच्चों को अगर गोद ले लिया, तो शायद वो अनाथ शब्द नहीं रह जाएगा धरती पे, और अनाथालय नहीं होगा इस धरती पे। पहले तो बच्चे ही अनाथ होते थे, आजकल तो माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने देश में समस्या है, इसी बेस पे मैं एक सिनेमा भी कर रहा हूँ, कुल्ली नंबर वन, क्योंकि मैं अब इसीलिए वो हर वो सब्जेक्ट कर रहा हूँ जिसे समाज को कुछ आईना की तरह दिखने को मिले कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मेरा आज इतना प्यार, आज तीन सिनेमा को आप लोगों ने इधर इतना प्यार दिया कि शायद मैं उसके लिए कुछ करने पे मजबूर हूँ, और मैं आज किसी की बात नहीं सुनता, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात नहीं सुनता। वो रीज़न ये है कि हर आदमी घिसी पिटी कहानी लेकर आता है, और हर आदमी कोई कहता है कि नहीं ये गाना डाल दीजिए, वो गाना डाल दीजिए, ऐसा गाना डाल दीजिए। तो और जो भी यूट्यूब पे चीज़ें चल रही है ना, कुछ लोग जो वीडियो बना के खेसारी अश्लील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये साजिश है, ये मेरे पे आरोप नहीं है, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, तो इसको आप लोग बिल्कुल प्रमोट मत करिए। मैं व्यक्तिगत जो हूँ, खेसारी क्या है, मैं हर बार कुछ अच्छा करने की और
आप लोगों ने जो मुझे दिया है, चाहे वो पैसा हो मेरे पास, जो भी जीवन की मेरे हर वो चीज़ है, आप सबकी देन है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने, आप लोगों ने जो चंदा देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अगर इस चंदे के पैसे से अगर किसी का भी कुछ भला होता है तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उन बच्चों को पढ़ाने की, जब तक वो कुछ काबिल नहीं बन जाते हैं तब तक है, मैं उनको पढ़ाने का एक जिम्मा लिया हूँ और मैं आज उसी के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हर आदमी जाएगा, कोई पैसा दे देगा, कोई कुछ दे देगा, लेकिन उन लोगों को सहारा चाहिए, पैसे नहीं, उनको एक पिता की तरह उनका देखभाल करने वाला इंसान चाहिए। हम तो बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके हर खुशियों में अगर हम उनके लिए कुछ कर देते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके भविष्य के लिए अगर कुछ सोच देते हैं, तो उनको लगेगा कि वो अमरजीत जिंदा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, संतोष रेणु और आप सबसे बस यही आग्रह है मेरी कि आप लोग हर उस बड़े आदमी से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी अगर अनाथ होता है ना, तो बस उनको सहारे की ज़रूरत है, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको प्यार चाहिए। उनके भविष्य के लिए अगर हर बड़ा आदमी सोचेगा तो यही सब अनाथ शब्द धरती से ख़त्म हो जाएगा। एक इच्छा है मेरी, और एक बात और आप लोगों से बोलना था मुझे, कोई भी मेरा नाम, मेरा फोटो डाल के आईडी पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, कोई भी आदमी अगर फेक आईडी बना के और मेरे नाम से कुछ बोलता है कि मैं खेसारी लाल बोल रहा हूँ, तो 20 मिनट फोन कर रहा हूँ, रुकिए, तो प्लीज़ आप लोग उसको हकीकत ना माने, और उसको प्लीज़, मैं ये सब हरकतें, लोग चीप हरकतें करते हैं। कल एक नेपाल से लड़की ने मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे, बड़ी अश्लील। मैंने उनको बोला जी आपने ऐसा क्यों भेजा मुझे, तो उन्होंने मैसेज किया मुझे कि मैं, आपने खुद ही मांगा था मेरे से ये फीक, इसीलिए मैंने भेजा। मैं बोला कि मैं कब मांगा था आपसे, तो नहीं आप याद करिए आपने मांगा था। मैं बोला कि जिस नंबर से अगर मैंने आपसे मांगा है वो नंबर तो आपके पास होगा ना, उसने नंबर भेजा, वो मैंने आज तक उस नंबर को मैं जानता तक नहीं कि वो नंबर किसका है, वो 94 से कोई नंबर था। फोन करता हूँ, तो इसलिए मैं हर बहन से बोलता हूँ, प्लीज़ बहन, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी फेक आईडी बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा प्लीज, और उस आदमी का नंबर है ये खेसारी जी के नाम से जो बात उन लड़कियों से करते हैं, 9453773477, इसी नंबर से इन्होंने कितने लड़कियों को फ्रॉड किया है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोटो अगर कहीं भी लगा है ना, तो उसको हकीकत मत मानिए। मैं किसी भी शो में जाता हूँ तो मैं पहले अपना अपने जुबान से बोल देता हूँ कि मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, जहाँ मैं बोलता हूँ वहीं मैं आता हूँ, जहाँ मैं नहीं बोलता हूँ वहाँ नहीं आता हूँ। तो कहीं भी लोग मेरा पोस्टर लगा के और आप सबको प्रचार कर देते हैं, आप सबको गुमराह करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग गुमराह मत होइए। और मैं आज इस काम के लिए जा रहा हूँ। अब बताइए, कल बलम जी छपरा में और मोतिहारी में कई जगह लाठी चल गया, लोग ये बोलते हैं कि बताओ यार खेसारी की फिल्म में लाठी चल गई, ये चल गई, वो चल गई, अब उसका भी दोषी मैं ही हूँ। उनको अच्छी लग रही फिल्म, सिनेमा एक माँ का विश्वास बना है और हर बेटा माँ के विश्वास के लिए जाना चाहता है, तो एक विश्वास का सिनेमा बना है। तो इसलिए भीड़ लग रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है खेसारी को, उसमें भी मैं गलत हूँ। अब बताइए कितनी सफाइयाँ दूँ मैं लोगों को, आप लोग इतने प्यारे हैं कि हम मजबूर हैं, हर जगह आप सबके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ उस अमरजीत जी के घर पे, जी जो गुजरात हादसे में उनकी मौत हो गई, तो उनके घर पे जा रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ से मुझे एक बार
क्योंकि मुझे जाना ही था, बहुत सारे लोग हैं, मेरे 1 लाख भाई हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी का एक प्यार है। संतोष रेणु जी हैं, ये लोग मित्र हैं मेरे और वहीं से हैं ये लोग, इन लोगों का प्यार मिलता है मुझे। तो मैं जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हर उस बड़ा बड़े आदमी को, मैं आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप भी हर हादसे के अगर सहारा बन जाएं तो ये हादसा बहुत छोटी हो जाएगी और हम बड़े हो जाएंगे। हमें करना नेक्स्ट ऑन आई न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।